दोस्तों, जैसे आप कहना चाहते हैं उन, तो हम अलिफ पे पेश करेंगे तो ये होगा ओ और ये नून, ये हो गया उन। अगर हम कहना चाहते हैं उस, तो देखिए अलिफ पे पेश लगाएंगे और ये सीन, ये हो गया उस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमने लिखा उस, ठीक है, और ये लिख दिया, ये है नून और बड़ी, नून बड़ी जेर ने, ये लिखा है उसने। लेकिन लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे लिखा हो, है ना, और ये तो सेम है, लेकिन इस पे पेश ना हो ना, यानी पेश ना हो ये जो यहाँ पे है, तो होता क्या है कि हम क्या कहते हैं भाई, ये लिखा है उसने या फिर इसने। तो ये हम इसने भी पढ़ सकते हैं, उसने भी पढ़ सकते हैं। तो होता क्या है, ये चीज़ समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना ये होता है कि हमें जो है आगे देखना होता है कि उसने के बाद क्या लिखा है। उस हम कब बोलते हैं, उस हम दूर की चीज़ों के लिए बोलते हैं, यानी कोई चीज़ दूर हो या कोई पास्ट की बात हो, है ना, तब हम बोलते हैं उस। और अगर हम करीब की बात कर रहे हैं, है ना, हमारे आसपास है या सामने है, तो उसे हम इस बोलते हैं। ठीक, तो ये थी आज की कुछ बातें इम्पॉर्टेंट वाली। तो इसी तरीके से उर्दू जो है बेसिक लेवल से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं।